ना रुकेगी खबर ना दबेगी खबर, ना रुकेगी खबर ना दबेगी खबर, हर खबर पर होगी आवाज की नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 और ले चलते हैं आपको मथुरा की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें मथुरा से अब तक की सनसनीखेज खबर आ रही है जहां पर हत्याएं और वारदातें रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है, प्रशासन मौन है। जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा जनपद पर 34 वर्षीय युवक की कुछ हथियारों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उसे गोली मारी गई और बाद में उसे गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या का एक रूप दे दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि प्रशासन के खिलाफ परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे के ऊपर किया पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को रखकर चक्का जाम। देखिए आवाज न्यूज 24 की खास खबर। घटना मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बात की है जहां पर एक 34 वर्षीय युवक नामक व्यक्ति की हत्या गांव के ही कुछ नामजाद लोगों के द्वारा कर दी गई और पुलिस के द्वारा मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर मृतक युवक के परिजनों ने मथुरा आगरा हाईवे को जाम कर मुकदमा दर्ज करने एवं थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों के द्वारा नेशनल हाईवे घंटों जाम रखा गया और मुकदमा दर्ज होना जाने के बाद ही जाम को खोला गया। भाई छोरा को बाप और भाई ने फिर मुझे भतीजो मारो मेरो। किसने मारा है इनको? राधा चरण ने। कहाँ के रहने वाले? राधा चरण ने, गोपाल ने, लक्ष्मण ने, विनोद ने। कहाँ के रहने वाले? मुकेश।